हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज इस वीडियो में कुछ इस तरीके की हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, करने नहीं वाले, बेसिकली जनरेट करने वाले हैं एआई की मदद से। कुछ सेटिंग्स है, कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करने हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को। जो अनवांटेड पार्ट है मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं एडिटिंग में, तो जो मेन चीज़ें हैं वही मैंने वीडियो में रखी हैं, तो स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आप डिस्कॉर्ड पहले से चलाते हैं तो लॉगिन कर लेना, मैं ये बता रहा हूँ न्यू यूज़र के लिए। तो रजिस्टर करेंगे हम एज अ न्यू यूज़र। यहाँ पर हमको ईमेल चूज़ करना है, ईमेल से हमको आईडी बनानी है, फ़ोन नंबर से नहीं। एंड यहाँ पर हमको ईमेल अपना आईडी देना है। अब यहाँ पर आता है रजिस्टर पिक अ यूज़र नेम, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सारी बयास। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन का, देन आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रीड करना है कि क्या लिख रखा है इसमें। प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ डेजर्ट, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला एंड ये वाला। वेरीफाई, देन आपको प्रोफाइल पिक चूज़ कर लेना है कोई सा भी, नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद हमको क्रिएट योर सर्वर, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट माई ओन। एंड यहाँ पर कुछ चूज़ नहीं करना, बस आपको स्किप दिस क्वेश्चन कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नेम दे देना है, क्रिएट सर्वर, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्किप कर देंगे एंड इसको भी हम रहने देंगे। तो यहाँ पर हम हमारा सर्वर बन चुका है। अब हमको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आना है हमें थ्री डॉट पर, बैक आना है। अब यहाँ पर आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना कोई सा भी, एंड यहाँ पर टाइप करना है मिड जर्नी। इस वेबसाइट पर चले जाना है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइन द बीटा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सेप्ट इनवाइट एंड इसको कन्फर्म करना है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ पियानो, तो हम क्लिक कर देंगे पियानो पर। वेरीफाई, तो हमको यहाँ पर एक पैनल खुलेगा, यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर देना है। एंड हमारे पास ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। अब जाना है डायरेक्टली हमको प्रोफाइल पिक्चर पर, इस पर क्लिक करना है। नीचे आना है मिड जर्नी बॉट, इस पर क्लिक करना है। ऐड टू सर्वर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेलेक्ट सर्वर, सारी बयास जो हमने अभी सर्वर बनाया है, कंटिन्यू, सब ऑप्शन इनेबल कर देने हैं, ऑथराइज। अब यहाँ पर हमको एक एरर बता रहा है, यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू ऐड दिस बॉट टू अ सर्वर। हमको ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा पहले, तो हमको कैंसिल कर देना है, यहाँ से बैक आना है, बैक आना है और हमको जाना है अपने सर्वर पर एंड प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। अकाउंट यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है रेड लाइन में, वेरीफाई योर ईमेल, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमको रीसेंड मेल, इस पर क्लिक करना है। अब हमको चेक करना है अपना मेल, तो मैंने अपना ईमेल अपने पीसी में खोला है एंड यहाँ पर मुझे ईमेल मिल चुका है। यहाँ पर वेरीफाई ईमेल, इस पर क्लिक कर देंगे एंड ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको इसको काट देना अपने ब्राउज़र से, आपको सिंपली अपने एप्लीकेशन पे चला जाना है अपने मोबाइल पे। तो पीसी पर मैं इसलिए मेल चेक करा क्योंकि मेरे मोबाइल में वो ईमेल आईडी नहीं है। अगर आपकी ईमेल आईडी आपके मोबाइल में ही है तो आपको जीमेल एप्लीकेशन ये ओपन करनी है, वहाँ पर चेक करना है, आपका ईमेल मिल जाएगा डिस्कॉर्ड से, बस उस पर क्लिक कर देना है जैसे मैंने बताया है। तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो चुका है, सिंपली हमको बैक आना है अपने ब्राउज़र पर एंड जॉइन द बीटा, इस पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट इनवाइट एंड यहाँ पर हमको जाना है न्यू बी, इस पर क्लिक कर देना है। कोई से भी न्यू बी आते रहते हैं उस पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करना है फिर एंड नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है मिड जर्नी बोट, इस पर क्लिक कर देना है। एक्ट ऐड टू सर्वर, इस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट सर्वर, सारी बयास, कन्फर्म, ऑथराइज। एंड ये हमारा फाइनली अपने सर्वर पर ऐड हो चुका है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में बता दूं।
स्पॉन्सर है सारिब अयाज। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है एंड वीडियो को लाइक करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। अब बस हमको क्या करना है, अपने सर्वर पर जाना है एंड जनरल पर जाना है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं मिड जर्नी बोर्ड जस्ट लैंडेड। अब हमको एक और चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी, वो है कि यहाँ पर आपको ये डालना है इमेजिन एंड यहाँ पर कुछ भी डाल देना है, मतलब क्यूट इमोजी आपको ये चीज़ कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन ये एक्सेप्ट कर देन आपको बस ये हमने इसलिए डाला कि ताकि हमको ये ग्रीन बटन दिख सके, तो हमको बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा ऐड हो चुका है। अब होता है मेन चीज़ स्टार्ट। तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पर, तो प्लस के निशान पर इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ब्राउज फ़ोटोज़ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको फ़ोटो चूज़ कर लेनी है, जोन सी फ़ोटो रेफरेंस देना होगा बेसिकली हमको, तो वो देख लेना, जोन सी फ़ोटो अच्छी लग रही हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ एंड इसको सेंड कर देता हूँ। अब ये हमारी सेंड हो जाएगी। यहाँ पर सेंड होने के बाद अब इस पर हमको क्लिक करना है, तब ऐसा हो जाएगा। फिर जाना है थ्री डॉट पर एंड यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर बेसिकली हमको इस इमेज का लिंक कॉपी करना है। तो व्हाट्सएप पर आप किसी को शेयर कर देना, कुछ इस तरीके का लिंक ओपन हो जाएगा, फिर इसको जस्ट आपको कॉपी कर लेना है एग्जैक्टली। तो ये हमारा हो गया। अब हमको यहाँ पर टाइप करना है ये वाला स्लैश इमेजिन एंड आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर देना है जो अभी हमने कॉपी किया है, पेस्ट JPG, यहाँ पर लास्ट में JPG लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद हमको ये कॉमा लगा देना है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना, कॉमा लगाना है इस तरीके का, देन स्पेस देना है, यहाँ पर साइबर पंक लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर टोडलर, फिर कॉमा देना है, फिर लिखना है हमको स्मार्ट, स्मार्ट बॉय या फिर क्यूट बॉय, ऐसा कुछ टाइप कर देना है एंड एक और चीज़ हमको मेंशन करनी है यहाँ पर 8K एंड फिर उसके बाद हमको ये डैश लगा देना है, 2V V space and 4 ये कर देना है, देन जस्ट हमको सेंड कर देना है। अब सेंड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये वेट करना पड़ेगा हमको एंड हमारी जो इमेज होगी वो बढ़िया आएगी रिजल्ट में, आप देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इतनी सारी इमेजेस आ चुकी है, तो अब बात करते हैं इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। तो हमको बेसिकली जोन सा भी फ़ोटो आपको अच्छा लग रहा हो, पहले तो उसको क्या करना है, U1 U2 U पर क्लिक कर देना है, मतलब कि हमारा जो पहला इमेज होगा वो U1 होगा, दूसरा इमेज U2, तीसरा इमेज U3, फोर्थ इमेज U4। तो मुझे अच्छा लग रहा है U4 एंड U1, तो मैं U1 पर क्लिक कर दूंगा पहले एंड फिर उसके बाद U4। तो हमारे जो दो इमेज है वो निकल के आ जाएंगे हाई क्वालिटी में। तो हमारे दोनों इमेज यहाँ पर हाई क्वालिटी में आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। बस हमको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है एंड यहाँ पर सेव कर देना है। ये बेसिकली हमारे गैलरी में सेव हो चुके हैं। अब दूसरा फ़ोटो भी हम इसी तरीके से सेव करेंगे, क्लिक करा थ्री डॉट पर एंड सेव। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी एरर आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, सारिब अयाज ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस पर मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।